नमस्ते बच्चों, आप तक आवाज आ रही है? खाली सिर हिला दीजिए। बहुत बढ़िया, ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात तो ये कि मुझे नहीं पता आप मुझसे मिलके कितने खुश हैं, लेकिन मैं आप लोगों को देख के बहुत खुश हूँ। और इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता कि आप बच्चों से उनके करियर के बारे में बात करें, उनके भविष्य के बारे में बात करें, और मैं वो बात करूंगा जो मैं जानता हूं। देखो, तीन तरह की सेना होती है। एक सेना जो जमीन पे लड़ाई लड़ती है, एक सेना जो हवा में लड़ाई लड़ती है, और एक सेना जो पानी में लड़ाई लड़ती है। आप समझिए कि जितनी जमीन है उससे इस दुनिया में कई गुना ज्यादा पानी है, और दुनिया का सारा ट्रेड, सारी बिजनेस, सारा सामान एक जगह से दूसरी जगह, एक देश से दूसरी जगह ले जाने का काम पानी से होता है। तो पानी हमारे सर्वाइवल के लिए, समुद्र बहुत जरूरी है, और अगर समुद्र पे किसी का कंट्रोल हो जाए तो वो देश दुनिया को कंट्रोल कर लेता है। इसलिए समुद्र बहुत जरूरी है, समुद्र का कंट्रोल जरूरी है, और इसीलिए समुद्र की सेना जरूरी है। समुद्र की सेना में पानी के जहाज होते हैं। समुद्र की सेना में ऐसे जहाज होते हैं जिनके ऊपर हवाई जहाज उड़ते हैं। तो समझो, पानी की सेना की अपनी हवाई सेना भी होती है, और इसमें सब तरीके के जवानों की और अफसरों की जरूरत होती है। आप किस एरिया में जाना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, वो आपकी इच्छा के ऊपर है, पर मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता। 12वीं क्लास पास करके आप फौज में जा सकते हैं। यहां से शुरुआत हो सकती है, और आप अगर नेवी के बोले तो सब तरह की रिक्वायरमेंट होती है। देखिए, फौज में इंजीनियरिंग सेक्शन के लोग जाते हैं, जो चीजें खराब हो जाती हैं उनकी मरम्मत करते हैं, उनका ओवरऑल करते हैं। जैसे आपकी कार की, स्कूटर की मरम्मत होती है, ऐसे जहाजों की भी होती है। उनके पुर्जे चाहिए होते हैं, खाना बनाने वाले होते हैं, क्योंकि फौज को खाना भी खाना होता है। कम्युनिकेशन वाले होते हैं, जो एक से मैसेज एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, सुनते हैं, रिसीव करते हैं। तो खाना चलाने वाले भी होते हैं। तो नहीं, जितनी भी चीजें हो सकती हैं फौज की लड़ाई से संबंधित, सबके लिए लोग होते हैं। लेकिन सबसे बढ़िया बात यह है कि आज फौज में लड़के तो जा ही सकते हैं, लड़कियां भी जा सकती हैं, और उन्हें वो सारे अधिकार, वो सारे एवेन्यूज प्रमोशन के, आगे बढ़ने के अवेलेबल हैं जो लड़कों को। तो मैं बेटियों को ये बात बताना चाहता हूं कि आपके लिए फौज एक बहुत अच्छा करियर बन सकता है। लेकिन फौज में लोग पैसा कमाने नहीं जाते, पैसा तो आपको बहुत जगह मिल सकता है। फौज में आप जाते हैं देश की सेवा करने के लिए, क्योंकि जैसी जिंदगी आपको फौज देती है ऐसी आपको और कहीं नहीं मिलती। यानी आज मैं जैसा हूं, मैं ऐसा इसलिए हूं कि मैंने 21 साल फौज में बिताए। वो ट्रेनिंग, वो समझ, वो तौर तरीके मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गए। अब मैं कहीं भी जाऊं, मेरा एक नजरिया है सोचने का, चीजों को करने का, काम करने का, जो मुझे फौज ने सिखाया, और मैं इसके लिए अपनी फौज का शुक्रगुजार हूं। मुझसे आप पूछे, मैं आपको सच बताऊं, मैं ऐसी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता था जो मुझे फौज से मिली। और मैं आप सबको चाहता हूं कि एक बार आप ये जरूर सोचें कि अगर आपको मौका मिले तो फौज में जाएंगे। सबसे बढ़िया फौज में जाने की डोमेन है टेक्नीशियन की, इंजीनियरिंग की।
तो मैं चाहता हूं कि आप में से जो लोग साइंस मैथ्स पढ़ सकते हैं उसमें अच्छे हैं तो वो वाले सब्जेक्ट लें, शायद जिसको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स उस तरीके से कहा जाए, और उसमें अच्छे नंबर लाए। आजकल तो कोचिंग सेंटर भी हैं जो आपको फौज के बारे में बताते भी हैं और सिखाते भी हैं, लेकिन अगर आपके अंदर बेसिक गुण हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी है। फौज में भर्ती के लिए आपको किसी की सिफारिश नहीं चाहिए बच्चों, एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है कम से कम, दूसरे भी होंगे मैं ऐसा नहीं कहता, लेकिन इसमें तो मैं आपको पक्का बताता हूं, आप में अगर योग्यता है, आप में अगर फिजिकल फिटनेस है, तो आप फौज में जा सकते हैं, लड़के भी और लड़कियां भी, हर वो काम कर सकते हैं जो आदमी करते हैं। आज आप जिस भी क्लास में हैं, मैं चाहता हूं कि आज से आप ये सोचें कि मुझे नेवी में जाना है या फौज में जाना है, क्योंकि तरीके करीब करीब एंट्री के सेम है। मैं आपको थोड़ा सा अपनी बात बताता हूं, मुझे जैसे आप लोगों को कुछ नहीं पता है ना कि नेवी क्या होती है, मुझे कुछ नहीं पता था। मैं इंजीनियरिंग कर रहा था और इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में फौज से कुछ अधिकारी मेरी यूनिवर्सिटी में आए और उन्होंने हमारा इंटरव्यू लिया और मुझे शॉर्टलिस्ट किया और फौज में ऑफिसर बनने के लिए एक सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड होता है जहां पे आपको वो सारे टेस्ट देने पड़ते हैं, जिससे ये पता चल जाए कि आप लोग आप फौज में अफसर बनने के लिए सही हैं कि नहीं है। तो वहां हम गए, कुछ एक्सरसाइज हुई और उन लोगों ने जो भी देखा उन्हें लगा कि ये ठीक है और मैं फौज में भर्ती हो गया। बस एक मेडिकल एग्जाम हुआ और उन्होंने देखा हाथ पैर सही काम करते हैं, दिमाग ठीक काम करता है, दिखता ठीक है, सुनता ठीक है। और हाँ एक चीज और, आपकी साइकोलॉजिकल टेस्ट भी लिया जाता है जिससे ये पता चल जाए कि ये इंसान मुश्किल के वक्त में, जब चारों तरफ तकलीफें हों, चीजें आपके हिसाब से ना चल रही हो, दुश्मन का आक्रमण होने वाला हो, या आपको बहुत स्ट्रेस में रह के कुछ ऐसे काम करने हो, तो आपका दिमाग सही तरीके से काम करेगा या आप बौखला जाएंगे, हाथ पैर फूल जाएंगे, या आपके निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाएगी। तो वो टेस्ट भी होते हैं और सारे हुए और मैं फौज में था। फौज के बाहर तो लोग नौकरी करते हैं, लेकिन फौज में एक जिंदगी जीते हैं, ऐसी जिंदगी जैसी आपको दोबारा कहीं नहीं मिलने वाली। तो मैं चाहता हूं बच्चों, अभी तो आप छोटे हो, आप अभी से दिमाग में इस बात को डाल लो कि मुझे फौज में जाना है, और जैसी भी योग्यता हो उसके हिसाब से आप अपनी तैयारी करो, लेकिन सबसे पहला काम है अच्छे से पढ़ लो, अच्छे नंबर आने चाहिए ताकि आप उन सब टेस्ट में पास हो सको जो एंट्री के टाइम पे आपको टेस्ट देने हैं। कुछ तो बच्चे बहुत ही छोटे हैं तो उनके लिए तो अभी वैसे भी बहुत समय है, लेकिन और एक फाइनल बात ये कि जितनी रिस्पेक्ट, जितनी इज्जत आपको एक फौजी के नाते मिलती है, खाली हमारे देश में नहीं, सारी दुनिया में वो इज्जत आपको कहीं नहीं मिलती।
तो अगर आपको एक खास तरीके की जिंदगी जीनी है जिसमें आत्म स्वाभिमान है, जिसमें एक्साइटमेंट है, जिसमें चैलेंजेस हैं, जिसमें आपको हिम्मत चाहिए, जिसमें आपको मेहनत चाहिए, और जिसमें आप एक बार चले जाएं तो देश और देश की सेना आपका पूरी तरह से ख्याल रखती है, हमेशा के लिए आप ज्वाइन कर लेते हैं, तो आपको अपने लिए एक फौज का ऑप्शन चुनना चाहिए। और फौज में नेवी क्यों? क्योंकि मैं तो नेवी का हूं, तो मैं यही कहूंगा तीनों फौज में नेवी से बढ़िया सेटअप नहीं होता। इतनी खूबसूरत जिंदगी जो मुझे एक नेवी के अफसर के तरीके से मिली, वो मुझे कहीं और नहीं मिल सकती थी। ये पहला इंटरेक्शन है, तो मैं ये कहूंगा कि ये कंप्लीट नहीं है, पूरा नहीं हुआ। जितनी बार भी बच्चे आप चाहेंगे उतनी बार मैं आपसे बात करूंगा, जिस तरह की इंफॉर्मेशन आपको मुझसे चाहिए उस तरह की इंफॉर्मेशन बताऊंगा, नहीं होगी तो ढूंढ के लाऊंगा। और जिस तरह की भी आपको कैरियर के लिए काउंसलिंग चाहिए, मदद चाहिए, अपनी बात अपने दिमाग से वो सारे कंफ्यूजन दूर करने के लिए, जैसे कहते हैं ना दिमाग के जाले झाड़ने हो, वो सारी बातें आप मुझसे पूछिए, मैं हमेशा तैयार रहूंगा। क्योंकि मेरे लिए इससे बढ़िया कुछ नहीं है कि मैं आप लोगों को आपके कैरियर को आगे बढ़ाने में मदद करूं। आप यहां से बड़े हो जाओ, मेहनत करो और देश के ऐसे नागरिक बनो कि देश आप पे गर्व करे। तो मैं अपनी बात यहां पे खत्म करता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप में से अगर कुछ मुझसे बात करना चाहते हैं तो प्लीज करें। देखो तो सबसे पहली बात तो है कि नेवी बहुत ही टेक्निकल सर्विस है। इसमें क्योंकि शिप होता है और शिप के अंदर सब तरह के सिस्टम होते हैं जो शिप को चलाते हैं। कम्युनिकेशन के सिस्टम होते हैं, इंजन होते हैं जो शिप, आप समझिए उसमें वेपन सिस्टम होते हैं, उसमें एम्युनिशन होता है, उसमें गोला बारूद भरा होता है, उसमें फ्यूल होता है, तो उसमें आप भी होते हैं। और शिप जब सेल करता है तो किनारा छोड़ देता है, उसके बाद जब आप एक सिचुएशन महसूस करिए, आप अकेले एक जहाज पे हैं, अकेले नहीं पूरा जहाज है, मगर आप पूरे समुद्र में दूर दूर तक दूसरा कुछ नहीं देख पाते। मेरी जो सबसे खूबसूरत फैंटेसी थी वो ये थी कि मैं रात को शिप के ऊपर अपना काम खत्म करके डेक पे लेट जाता था, सब काम हो गया, शांत हो गया, रात हो गई, और मैं तारे देखता था, जो आजकल आपको कम ज्यादा रोशनी की वजह से देखने को नहीं मिलते। समुद्र में दूर दूर तक अंधेरा होता, लहरों की आवाज आती, और मैं आकाश गंगा देखा करता था। रोज रात को ऐसा नजारा मुझे दोबारा कभी देखने को नहीं मिला। लेकिन नेवी आपको इंजीनियरिंग के एस्पेक्ट से, मेटीरियल हैंडलिंग के एस्पेक्ट से, आपको फौज छोड़ने के बाद में ऐसा बना देती है कि आपको दोबारा अपने लिए सेकंड एम्प्लॉयमेंट ढूंढना मुश्किल नहीं होता। तो अगर आप पूरी फौज भी की नौकरी भी ना करें, आप इतने इतने स्ट्रांग हो जाते हैं, इतने कॉम्पिटेंट हो जाते हैं कि आपको फिर कुछ भी करने की योग्यता आ जाती है। तो मेरे हिसाब से एक दूसरी बात यह है कि नेवी में शिप बहुत छोटे होते हैं, इसलिए लोग पास पास रहते हैं, तो एक अलग तरीके की बॉन्डिंग होती है, क्योंकि डिस्टेंसेस आपस में बहुत कम होते हैं। अपने रहने के कमरे भी पास पास होते हैं, काम करने के भी पास पास होते हैं, ऊपर नीचे के डेक में रहते हैं, एक जैसे हम बिल्डिंग में फ्लोर वाइज रहते हैं, तो इतनी करीबी हो जाते हैं एक दूसरे के, ऐसी बॉन्डिंग हो जाती है कि एक दूसरे के साथ मिलके काम करने की जो क्षमता नेवी में आती है वो मेरे हिसाब से दूसरी फौज में नहीं आती। सबसे बढ़िया ऑप्शन है, आपको बहुत अच्छी जिंदगी जीने को मिलती है, बहुत अच्छी मेहनत भी होती है, सीखने को बहुत मिलता है, और एक बहुत अच्छी जिंदगी जीने को मिलती है जो आपको और कहीं नहीं मिल सकती। तो मैं चाहता हूं बच्चों मेहनत करो,
जहां तक पॉसिबल हो, अगर आपका मेंटल मेकअप आपको तैयार करे तो साइंस साइड से पढ़ो, क्योंकि नेवी बहुत टेक्निकल ओरिएंटेड सर्विस है। इसके अंदर खूब सारे इंजीनियरिंग के एस्पेक्ट्स होते हैं जो जो कवर होते हैं, तो आप बहुत अच्छे से अच्छे जॉब में जाओगे, बहुत सीखने को मिलेगा। आप सोचो नेवी के अंदर भी जहाज होते हैं, पानी के जहाज होते हैं। आप सोचो आप एयरक्राफ्ट के इंजन्स पे काम कर सकते हो, उनकी इलेक्ट्रॉनिक्स पे काम कर सकते हो, उसके कंप्यूटर्स पे काम कर सकते हो। और सोचो ये वाली जब आपने सीख ली स्किल, तो आप कहाँ तक जा सकते हैं, बाहर की इंडस्ट्री में आपकी कितनी जरूरत हो जाती है, कितनी रिक्वायरमेंट होती है, आपको उसका अंदाजा भी नहीं है। तो कोई सवाल है तो मैं आंसर देना चाहूंगा। अच्छा चलो, पहले ये बताओ, आप लोग अगर सुन सकते हैं तो कितने जो बच्चे हैं वो फौज ज्वाइन करने को तैयार हैं और एक ऑप्शन सोचते हैं? हाथ खड़ा कीजिए प्लीज। और बेटियां? वेरी गुड। बहुत बढ़िया बच्चों। देखिए, और अगर अभी नहीं पूछ सकते हो, खासतौर से जो बच्चे 11th स्टैंडर्ड में है इस समय, या 10th पास करके 11th में आ रहे हैं, वो बिल्कुल सही टाइम है ग्रूमिंग का। और बहुत अच्छे से पढ़िए, और अगर पॉसिबल है तो एनडीए की तैयारी कीजिए। और जहां तक कोशिश हो, मेहनत करके देखिए, आप अफसर बन सकते हैं। और किसी भी तरीके की कैसी भी एडवाइस चाहिए, आप चरणजीत अंकल से कांटेक्ट कीजिए और मुझे बताइए, हम आपके साथ बात करने के लिए ट्रेवल भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन खासतौर से बड़े बच्चे जो हैं, जो अभी उस स्टेज में आ गए, छोटे बच्चे तो अभी बस मेहनत कीजिए, पढ़िए अच्छे से। अच्छी बात एक ये है कि आप केवल एक चीज चाहिए, योग्यता, एबिलिटी। और एबिलिटी इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि आप कहाँ पे पढ़ते हैं, कैसे स्कूल में पढ़ते हैं। मैं आपको अपने बारे में बताऊं तो मैं एक बहुत छोटे से कस्बे के छोटे से स्कूल में पढ़ता था। जब मैंने 12th पास किया तो अंग्रेजी में बोलना नहीं आता था, अंग्रेजी खाली हम पढ़ लिख सकते थे, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल नहीं थी। और मुझे याद है कि मेरे स्कूल में पेंट और शर्ट भी नहीं पहनते थे, ज्यादातर हम लोग पजामे में ही रहते थे। तो पहली बार वो कपड़े सिले जब इंजीनियरिंग में मेरा एडमिशन हुआ। लेकिन इंजीनियरिंग में एडमिशन होने के लिए किसी ने ये नहीं देखा ये कहाँ से आया है। और इसी तरीके से जब अच्छे से पढ़े तो नेवी, इंडियन नेवी वाले इंटरव्यू करके बुला के ले गए। देखिए, आप बस मेहनत कीजिए, मन में ये ठान लीजिए। बाकी सबका मुझे नहीं पता, लेकिन फौज के बारे में मैं आंख बंद करके बोल सकता हूं, आपको केवल योग्यता प्राप्त करनी है, बाकी फौज देख लेगी। वो ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होता है, वो आपको ओन करते हैं, जैसे आपके माँ बाप होते हैं ना, वो परिवार होता है, ऐसे फौज का भी एक परिवार हो जाता है और आप परिवार का हिस्सा बनते हैं, और वो परिवार आपका कभी नहीं छूटता। जैसे मैं रिटायर हो गया ना, मैं अपनी फौज से दूर नहीं हूं, मुझे फौज छोड़े हुए 26 साल हो गए, लेकिन मैं अभी भी अपनी फौज से जुड़ा हुआ हूं। परिवार कहीं नहीं जाता, परिवार में लोग बड़े हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन परिवार का हिस्सा रहते हैं। तो आप जब मिलिट्री ज्वाइन करेंगे, और नेवी क्योंकि सबसे छोटी है तीनों में साइज के हिसाब से, तो परिवार छोटा होने की वजह से एक दूसरे से कम्युनिकेशन और कॉन्टेक्ट और लगाव और भी ज्यादा है। तो नहीं भी तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन जैसी आपकी इच्छा हो, आप अपने आप को तैयार कीजिए और मन बना लीजिए। और अगर आपको किसी तरीके की एडवाइस चाहिए, खासतौर से जो जो बच्चे 10th पास कर रहे हैं, अभी 11th में जा रहे हैं, साइंस सब्जेक्ट लीजिए, मेहनत से पढ़िए, 12th आते आते आपको चरणजीत अंकल स्पेशल कोचिंग भी दिलवा देंगे, और फिर
बल्कि ये भी हो सकता है कि जितने बच्चे इसके लिए इच्छुक हों वो दिल्ली में या गुड़गांव में कहीं पे एक जगह आके रह सकते हैं और 1-1.5 महीने की उनको अच्छे से हम लोग ट्रेनिंग दे सकते हैं ताकि वो अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर सके।